अब वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। अब वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाएं। मामा कहाँ है? उका घर पे छोड़ के आए का? वो कहाँ है? आ रहा है, आ जाएगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। ओम गणेशाय नमः। विवाह संपन्न हुआ, लेकिन विदाई की रस्म में अभी थोड़ा समय बाकी है। तब तक वर वधू थोड़ी देर के लिए आराम कर ले। सब पता है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि सुरीली के मामा कहाँ हैं। हमें उनसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, आप जरा उनको बुला दीजिए ना। अरे अकेले तो चलो, ये काहे खड़ी अकेली, चलो। चमेली, आपने हमें बुलाया? हाँ, कहाँ थे आप? शादी हो गई, फेरे हो गए, अब विदाई का समय आ गया, आपका कहीं पता नहीं ना चल रहा है, कहाँ गए थे आप? हम तो बस आसपास ही थे। खाली ये बताइए कि आपने हमें क्यों याद किया? अच्छा ये बताओ, इस सुहाग के जोड़े में हम कैसे लग रहे हैं? अरे क्या हुआ, बोल काहे नहीं रहे हो, बोलिए ना। अब क्या बताएं इसे हम,
कि बैंक में खाता खोलते ही अगर बैंक लूट जाए तो बोलती बंद ही हो जाती है। क्या हुआ? हमको सब पता है। आप यही सोच रहे हो ना कि हम बहुत सुंदर लग रहे हैं? एक ठो बात कहे। हाँ, अब कह ही डालो। आज जो हमारे जीवन में ये रंगों की बहार है वो आप ही की वजह से है। आप ही हो वो जिसने हमें कहा, चमेली तुम्हारे लिए रंग बने हैं, खुशियां बनी है, सजा लो अपनी सुनी हथेलियों पे मेहंदी। तो देखो हमने अपनी हथेली पे मेहंदी रचा ली, देखो कितनी जोर की रची है ना। हाँ, कुछ ज्यादा ही जोर की रच गई है। का? नहीं कुछ नहीं चमेली, हम बहुत खुश हैं कि तुमने हमारी बात मान ली और शादी के लिए हाँ कर दी। बस हम तो यही चाहते हैं कि तुम हमेशा खुश रहना। अब हम चलते हैं। रुकिए, एक ठो बात कहे, बुरा तो नहीं ना मानेंगे? बुरा तो पिताजी मानते थे, हम क्या बुरा मानेंगे? जैसे आपने हमसे कहा वैसे ही हम आपसे कह रहे हैं। आप भी एक तो सुंदर लड़की देख के घर बसा लीजिएगा। चमेली, आपकी विदाई का समय हो गया है, बस अपने ससुराल जाओ और सुख से अपना जीवन व्यतीत करो। हम चलते हैं, बाहर सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। चमेली, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। कहिए। कि आप इस दुल्हन के रूप में बहुत सुंदर लग रही हैं। हाय राम राम राम। क्या हुआ मामा, चमेली जी ने क्या कहा? अलीशा, हम तुम्हें बता नहीं पाएंगे। अरे मामा, हमें तो बताओ चमेली जी ने क्या कहा। बस ये समझ लो कि तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, आज के बाद तुझसे मिलने ना आएंगे सनम, आज के बाद तू मेरा मिलना समझ लेना एक सपना था, तुझको तो मिल ही गया जो तेरा अपना था। समझ गए? ए पंडित चाचा, विदाई के मुहूर्त में कितना समय है? अभी थोड़ी देर बाकी है बिटिया। अरे तो ऐसी बात है तो ये खुशी के मौके पे काहे ना गाना बजाना हो जाए। ए जी। ओ जी। गाना गाओ ना। पगला गई होगा? हम का गाना वाना गाते हैं? हाँ भैया, शादी से पहले जब हमारे घर के चक्कर लगाया करते थे तो गाना कौन गाता था, इनका भूत। ए सुनो। हाँ सुनाओ। अरे तुम ही गा दो ना गाना। हम तो किसी ने कहा ही नहीं। अरे अरे मामा कहाँ है? मामा ही सबका मनोरंजन कर पाए। अरे मौसी, मामा कहाँ है? यही कहीं होगा, नजर नहीं आ रहा है। अरे वो देखो आ गया। अरे आ गए मामा, आ जाओ आ जाओ। अरे 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 बैठो नहीं, आओ इधर आओ। गाना गाओ गाना। हाँ, नहीं भाई हम गाना वाना नहीं गा सकते। चमेली की शादी में नहीं गाना गाओगे क्या? गाओ। लेकिन हम गाना मतलब रे अलीजा, इनको गाइए ना गाना, कमाल है। ये भी कोई जिद है कि गाना गाइए। और क्या? हमको सब पता है, एक ठो गाना गा दीजिए ना। चमेली ने फोन किया है। अरे मामा बहुत अच्छा गाना गाते हैं। गंगा राम गंवारा रह गया।
गंगाराम कौन है, गंगाराम कौन है, गंगाराम है एक तोते का राम, तो तोता राम कवारा रह गया, गंगाराम कवारा रह गया। मैना थी मीना नाम की, उससे चोंच लड़ी गंगाराम की, एक ही डाली पे दोनों रहते थे, एक ही डाली पे दोनों रहते थे, एक दूजे से हो ये कहते थे, प्रेम करना तो अपने हाथ है, पाना और खोना किस्मत की बात है, बस मैना की शादी हो गई और किसी के साथ, धूमधाम से आई उस दिन जंगल में बारात, हराम तो गंगाराम कंवारा रह गया। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? अरे फिर वही हुआ जो हमेशा होता है, गोली बैठ के मैना खूब रोई, गोली बैठ के मना खूब रोई, मन लैसले तोतिया लैसले वे, कहा सुना हमारा माफ करना, ओ बस वैरी आदि असी चले वे। गंगाराम का किस्सा होता है तमाम, गंगाराम का किस्सा होता है तमाम, हिंदू को राम राम मुस्लिम को सलाम, तो गंगाराम कंवारा रह गया, ओ गंगाराम कंवारा रह गया। ललन जी, शादी तो अच्छे से संपन्न हुई है भाई। जैसे हम सबकी पत्नियां अपने अपने घरों में राज कर रही हैं, वैसे चमेली भी अपने घर में राज करे, और क्या चाहिए। वैसे हमसे कहा नहीं है किसी ने कहने को, फिर भी हम पूरे लापतागंज वासियों के सामने ये कह रहे हैं कि इस शादी का पूरा श्रेय मामा को जाता है। कहे कि मामा ने अगर चमेली को शादी के लिए न मनाया होता तो न ये शादी हो पाती और न ये बारात आती। ये बात तो सब मिलके बोलो, मामा अमर रहे। ओ पगला गए हो का, अमर रहे, मामा भी जिंदा है, बोलो मामा अमर रहे। भाई इस सब की क्या जरूरत है, हमने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। एक मिनट, मामा तुमने तो शेरवानी भी सिलवाई थी ना, फिर वो काहे नहीं पहनी? वो शेरवानी तो हमने अपनी शादी के लिए सिलवाई है, वो तो हम अपनी शादी में पहनेंगे। वैसे शेरवानी तो पिताजी पहना करते थे। कोई नहीं, छोटू की भी जल्दी शादी हो जाएगी, देखना है, ऐसे ही मंडप सजेगा, बाजा बजेगा। अरे पापा कसम, बाजा तो हमारा यहाँ बज गया है जाग जाग के। अरे सोते हैं, चल के रात हो गई है, चलिए ना अपने अपने घर चलिए। आराम से। अच्छा,
चलो मामा, अब तो चमेली भी चली गई हैंगी। अलीजा, हमें इस मौके पर एक गाना याद आ रहा है। कौन सा गाना मामा? बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। नहीं नहीं अलीजा, जाने वाले कभी नहीं आते हैंगे, जाने वालों की याद आती हैंगी। नहीं नहीं, फिर चमेली की जाने पर तुम्हें कौन सा गाना याद आ रहा हैंगे? वो वाला। कौन सा वाला? भंवरे ने खिलाया फूल और फूल को ले गया राजकुमार। कोई बात नहीं अलीजा, अगर हमारी कुंडली में तीसरी शादी लिखी है तो कोई चौथी लड़की आएगी, तब हम ये गाना गाएंगे। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब। आया हैंगे? नहीं नहीं, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, बस मेरे दिल में रहना यूं ही प्यार प्यार बनके। हाय लीजा, चलो अब तुम भी सो जाओ जाके। हाँ। गलत फहमी एक ऐसी बीमारी है जिसके जाल में जो फंसता है वो पहले बहुत हंसता है, लेकिन बाद में टूटते हैं सपने और फैलता है रायता, और कोई नहीं कर पाता है फिर सहायता। इसलिए जो भी बात है मुंह खोल के कहे, कान खोल के सुने, उसके बाद ही सपनों की चादर बुने।